जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं यूपी बिहार स्टाइल दाल बाटी चोखा। वैसे तो आपने बहुत बार इसे खाया ही होगा, पर आज हम इसे पूरे देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे कि गांव में चूल्हे पर बनाया जाता है और घर में रखी चीज़ों के साथ बहुत ही कम टाइम में। जैसा कि लोग स्ट्रीट में बेचा करते हैं, सेम उसी तरीके से एकदम टेस्टी दाल बाटी चोखा। और आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चोखे के लिए थोड़ा सा बैंगन चाहिए, इसलिए हमने थोड़ी गार्डनिंग कर रखी है। तो इसमें से हम 2-3 बैंगन को निकाल लेंगे, क्योंकि आज हम इसे चूल्हे पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ भगोना ले लिया है और थोड़ा सा मिट्टी, और इसे थोड़ा हम गीला कर लेंगे और इसमें अच्छे से इसे लीप लेंगे, क्योंकि जब हम चूल्हे पे बनाएंगे तो लकड़ी का जो आंच रहेगा उससे जो बर्तन रहेंगे वो ज़्यादा काले हो जाएंगे। तो ये कर देने से ये रहेगा कि उसे जब हम वॉश करेंगे ना तो वो जल्दी धुल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चूल्हे की व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा लकड़ी ऊपरी और केरोसिन ऑयल इस पर लगा कर हम माचिस को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा चूल्हा जल चुका है। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले दाल बैठाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च को वॉश कर लिया है। और इसे हम जैसे नॉर्मल हरी मिर्च को बारीक कट कर लेंगे और टमाटर को भी अच्छे से रफली चॉप कर लेंगे। वैसे दाल बाटी के लिए जो दाल इस्तेमाल की जाती है उस दाल को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा जाता है, क्योंकि वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और बस जैसे नॉर्मल हम दाल बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर और हरी मिर्च को उसी भगोने में डाल देंगे। यहाँ पर हमने 200 ग्राम मिक्स दाल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम दाल को इसमें डालकर अच्छे से एक दो बार वॉश कर लेंगे। वैसे आपको खाना बनाना कैसे पसंद है, चूल्हे पे या गैस पे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसे अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम दाल को भी उसी भगोने में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 छोटी चम्मच हींग ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। जैसे नॉर्मल हम दाल बनाते हैं उसी तरीके से, बस इसमें जो दाल रहेगा वो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। इसके बाद हम भगोने को चूल्हे पर रख देंगे। यहाँ पर हम धनिया को एकदम बारीक कट कर लेंगे और इसे दाल में डाल देंगे, और बस बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। तब तक हम यहाँ पर ऊपरी को एक और जगह जलाएंगे, जिसमें हम चोखे में इस्तेमाल होने वाली आलू, टमाटर, बैंगन, इन सब चीज़ों को पकाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे भी अच्छे से जला लेंगे। यहाँ पर हमने बाटी के लिए आटा और चोखे के लिए कुछ चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले हमने जो बाटी के लिए आटा डो तैयार करना है उसे थोड़ा टाइट तैयार करना है। रोटी के जैसे हम जैसे आटा गूंथते हैं ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसे वैसे नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम चोखे के लिए 3 बैंगन का इस्तेमाल करेंगे, 3 मीडियम साइज़ के हम यहाँ प्याज ले लेंगे, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 6-7 हम यहाँ पर लहसुन की कली ले लेंगे, 4-5 हम हरी मिर्च ले लेंगे। जितना आप तीखा खाएं आप उस अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप हम यहाँ पर धनिया ले लेंगे, और 14-15 हम यहाँ पर छोटे आलू का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। यदि आप बड़े मीडियम साइज़ के आलू लीजिएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने बाटी और चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बाटी के लिए आटे को एकदम अच्छे से गूंथ लेंगे। बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो डो हमें तैयार करना है वो थोड़ा सा टाइट रहे बस, और उसी तरीके से हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बाटी के लिए जैसा डो चाहिए वो तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपनी एक और गैस चालू की थी वो एकदम अच्छे से जल रही है, और चोखा बनाने के लिए एकदम अच्छे से ये जल जाए इसके बाद हम इसमें आलू, टमाटर, बैंगन को रख देंगे।
तो यहाँ पर हम बैंगन में कट्स लगा देंगे, जिससे जो बैंगन है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो एक एक करके हम इसी तरीके से इसमें कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने जो एक और चूल्हा जलाया था जो कि ऊपरी से था, तो उसका आग अब कम हो चुका है। इसके बाद हम इसमें आलू टमाटर बैंगन डाल देंगे और इसके आँच की मदद से जो हमारे आलू टमाटर बैंगन है वो अच्छे से पक जाएंगे। बस हमें बीच बीच में इसे चिमचे की मदद से अलट पलट करते रहना है और ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आलू टमाटर बैंगन है वो सब चीज़ें थोड़ी सी नरम हो चुकी है, वो दिखने में ही पता चल जाएगा आपको। इसके बाद हम इसमें एक अलग प्लेट में इसे निकालने लग जाएंगे, उसके जो ऊपर के छिलके हैं ना वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर हमें इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेना, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक एक करके हम इसके ऊपर के छिलके निकाल कर इसे अच्छे से एक बार पानी में वॉश कर लेंगे। और ये गर्म है इस वजह से आप थोड़ा सा आराम से कीजिएगा। और इसी तरीके से एक एक करके हम इसके छिलके निकाल लेंगे। वैसे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, बस जो मेहनत है वो चूल्हे को जलाने में, क्योंकि यदि आपकी रोज़ की आदत नहीं होगी, गैस पे यदि आपका रोज़ का काम होगा तो थोड़ा सा मेहनत हो सकता है, नहीं तो बाकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखिएगा और जो टेस्ट रहेगा ना फिर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर हम मैशर की हेल्प से सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे, क्योंकि जो आलू टमाटर बैंगन है वो सब चीज़ें गर्म है, इस कारण से यहाँ पर हम मैशर का अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, एक चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा धनिया, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और बस। इसके बाद हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एकदम टेस्टी यूपी बिहार स्टाइल चोखा बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कलछुल को गर्म करेंगे। यहाँ पर हम इसमें एक बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच जीरा डालकर इसे दाल में डालकर अच्छे से इसका छौंका लगा देंगे और यहाँ पर हमारी एकदम टेस्टी सी दाल बनकर तैयार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी सी है और इस स्टेज पर हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बाटी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ थोड़ी सी लोई तोड़ी है और जैसे हम लिट्टी बनाते हैं ना उसे गोल गोल करते हैं, बस अंतर ये रहेगा कि उसमें सत्तू भर आता है और ये खाली रहता है, मतलब नॉर्मल। और एक एक करके हम इसी तरीके से इसमें लोई तोड़कर इसे गोल गोल घुमाएंगे और थोड़ा सा उसमें फिर गैप बनाएंगे और बस उसे ऐसे ही बंद कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी बाटी भी बनकर तैयार हो चुकी है, बस अब हम इसे चूल्हे पर डालकर थोड़ा सा सेक लेंगे। यहाँ पर हम एक एक करके बाटी को इसमें रख देंगे और कुछ कुछ देर पर हम इसे अलट पलट करते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बाटी एकदम अच्छे से तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। इसको देखने का सिर्फ ये तरीका होता है कि जो बाटी रहेगा ना उसमें बीच बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, इसका मतलब बाटी एकदम अच्छे से पक चुका है। इसके बाद हम इसे कोई भी कॉटन कपड़े, कोई भी सूती कपड़े या किसी भी कपड़े से एक एक करके अच्छे से पोंछ लेंगे। इसके बाद हम इसे घी में अच्छे से डिप करके इसे सर्व कर देंगे और एक एक करके हम सब बाटी को इसी तरीके से घी में डिप करके सर्व करेंगे। और यहाँ पर हमारी बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ पर हमारे दाल बाटी चोखा बनकर तैयार हो चुका है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी आप सभी के लिए लाते रहें। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।